हाउ आर यू? सो हम क्या कर रहे थे, हम चैप्टर ट्रायंगल्स कर रहे थे क्लास 10th का, एंड आई हैव अपलोडेड टू वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर ट्रायंगल्स. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलैरिटी, एंड हमने BPT करी थी, BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम, उसका कन्वर्स. ठीक है, एंड सेकेंड थ्योरम में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 आई हैव स्टार्टेड, एंड मैंने 4 क्वेश्चंस करा दिए थे आपको. ठीक है, एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन माई लास्ट 2 वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर, आई हैव गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन गो देयर एंड क्लिक देयर. राइट, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अपना 5th क्वेश्चन. ठीक है, 5th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम BPT रिवाइज करते हैं एक बार. BPT क्या कहती है? BPT कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं, लाइक इफ DE इज पैरेलल टू BC, देन ये जो DE है ये AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. इसका प्रूफ मैंने आपको बताया था और इसका एप्लीकेशन हम 1st to 4 क्वेश्चंस में कर चुके हैं. क्या बोला मैंने कि अगर DE पैरेलल टू BC है तो देन वी कैन ईजिली राइट कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये तो कहती है BPT, राइट. और अगर मैं BPT का कन्वर्स बोलूँ, BPT का कन्वर्स क्या होगा? उसमें ये होगा कि उसमें रेशो दे रखी होगी और उसमें हमें रेशो इक्वल दे रखी होगी और उसमें हमें पैरेलल प्रूफ करना होगा. ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे, विच इज क्या गिवन है फिगर में? फिगर में ये गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ. ये जो DE है ये OQ के पैरेलल है. BPT कब अप्लाई होती है? एक ट्रायंगल में अप्लाई होती है. ठीक है, अब ये कौन से ट्रायंगल में हमको दिखाई दे रहा है DE इज पैरेलल टू OQ? देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है OQP, राइट. ये मेरा D है और ये मेरा E है, तो ये DE पैरेलल टू OQ हमको साफ साफ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो जब DE पैरेलल टू OQ है तो बाय BPT आई कैन ईजिली राइट, ये कौन से ट्राइंगल में हमको नज़र आ रहा है? इन ट्राइंगल PQO, है ना. तो बाय BPT आई कैन ईजिली राइट PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO. ठीक है, अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में POR में, इस तरह से. ठीक है ना, इसमें हमारा ये जो DF है वो पैरेलल है OR के, ये भी दे रखा है हमको. ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POR जो हमारा DF है वो पैरेलल टू OR है, तो देयरफोर बाय BPT आई कैन ईजिली राइट PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, राइट. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. इन बोथ द इक्वेशंस RHS इज सेम, देयरफॉर आई कैन ईजिली इक्वेट LHS. RHS दोनों की सेम है तो LHS भी इक्वल होगी. तो दिस इम्प्लाइज PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, which I wanted no. अच्छा, यहाँ तक आ गया. उसके बाद अभी हमने कन्वर्स ऑफ BPT बताया था कि क्या बताया था मैंने, कन्वर्स ऑफ BPT में अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है. अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन है, दैट मीन्स इन एनी ट्राइंगल जब रेशो इक्वल दे रखी है, ठीक है, तो आई कैन ईजिली राइट DE इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT. BPT कहती है कि अगर पैरेलल है तो रेशोज इक्वल है. कन्वर्स ऑफ BPT कहती है कि अगर रेशोज इक्वल है तो पैरेलल है. अब हमारी रेशोज इक्वल मैंने प्रूव कर दी, ये कौन से ट्राइंगल में प्रूफ करी? ध्यान से देखो, क्या है ये? PE अपॉन EQ, PE F, ठीक है, ये Q, ये R,
PE upon EQ इज इक्वल टू PF upon FR. तो दैट मीन्स कौन सी लाइन्स पैरेलल हो गई? दैट मीन्स हमारी लाइन्स पैरेलल हो गई EF इज पैरेलल टू QR विच आई वॉन्टेड टू प्रूव. और यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BP. ठीक है, वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. फिगर इज गिवन ओवर हेयर. क्या बोलते हैं ये? A, B and C are the points on OP. A किस पे है? OP पर. OP पर A पॉइंट है. OQ, B. OQ पर कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट है. OR पे कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट है. ठीक है, हमें दिया हुआ है AB parallel to PQ. That means ये वाली लाइन is parallel to ये वाली लाइन, ये गिवन है. उसके बाद हमको गिवन है AC is parallel to PR. That means हमारी AC जो है वो PR के parallel है, right? हमको प्रूव क्या करना है? BC is parallel to QR. That means ये वाली लाइन हमको इसके parallel प्रूव करनी है. Very easy. ठीक है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास गिवन है AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. To prove BC is parallel to QR. Now, सबसे पहले AB is parallel to PQ. ये कौन से ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल AB parallel to PQ. देखो ध्यान से, हमारा ये P, ये O, ये हमारा Q, ठीक है, और ये हमारा PQ ज्वाइन हो गया, राइट. और हमारा AB है इस तरह से, ये मेरा AB हो गया, ये मेरे पैरेलल है, ये ट्रायंगल है. ये ट्रायंगल कौन सा है? ओ पी क्यू. देखो ओ पी क्यू, बाकी सारे फिगर को छोड़ दो. इधर देखो क्या है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू जो मेरा ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है. तो आई कैन ईजिली अप्लाई बी पी टी. तो देयरफॉर बाय बी पी टी कौन सी दो रेशो सेम हो गई? ओ ए अपॉन ए पी. ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू. हो गई ना सेम? ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी आर देखो ध्यान से क्या है, ओ पी और इस तरह से मेरा यहां जा रहा है आर, ये चला गया. ठीक है, और यहां पर है मेरा ए. अब क्या है, ओ पी आर में जब ए सी पी आर के पैरेलल दिया हुआ है, मुझको दिया हुआ है, तो मैं बी पी टी से क्या लिख सकती हूँ? बाय बी पी टी ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. ठीक है ना, ओ सी अपॉन सी आर. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जब मेरे आर एच, ये देखो ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी दोनों में एल एच एस सेम है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू में. तो जब एल एच एस सेम है तो आर एच एस को इक्वेट कर सकती हूँ. और आर एच एस क्या है? ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर. अब देखते हैं ये कौन सी लाइनें आ गई हमारी, कौन सी साइड आ गई. ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी और बी क्यू, ठीक है, ओ सी और सी आर, ओ सी और सी आर. अब इसको मैं नीचे वाले को आपको एक बार बना के दिखाती हूँ. ट्रायंगल को मेरा क्या आ गया इस तरह से, ये मेरा नीचे वाला पोर्शन है ओ क्यू आर और ये मेरा है बी सी. ठीक है, मेरा क्या आ गया? ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी और बी क्यू, ओ सी और सी आर, ओ सी और सी आर, ये आ गया ना, इक्वल आ गया ना. तो अब मैं क्या लगाऊंगी? अब मेरी रेशो सेम आ गई तो मैं बी पी टी नहीं लगाऊंगी, मैं इसका उल्टा लगाऊंगी. मैं क्या लगाऊंगी? मैं कन्वर्स ऑफ बी पी टी लगाऊंगी. तो दिस इंडिकेट्स कि मेरा बी सी जो है वो पैरेलल हो गया क्यू आर के बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब लाइंस पैरेलल होती है तो बाय बी पी टी रेशोज इक्वल होती है, जब रेशोज इक्वल होती हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी लाइन्स पैरेलल होती हैं, राइट. तो मेरे को क्या प्रूव करना था? बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर. तो मेरा क्या आ गया? बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर.
henceforth. Okay. Now this is question number 7th. इस question को पढ़ते हैं और देखते हैं हमने कहीं ये पढ़ रखा है. देखते हैं एक बार. Using BPT तो हमने इसी साल पढ़ी है 10th class में. Prove that a line drawn through midpoint of one side of a triangle. A line drawn through midpoint of one side of a triangle. अगर मैं यहाँ इसका midpoint ले लूँ D, यहाँ से एक line draw करनी है, ये midpoint है. और कैसी line draw करनी है? It should be parallel to another side. That means जो ये है ये parallel भी है. ठीक है, मतलब गिवन में है कि AD is equal to DB and also DE is parallel to BC. ठीक है, अब bisects the third side, ये मुझको प्रूफ करना है. यहाँ तक जो पोर्शन है ये गिवन वाला पोर्शन है और जो ये पोर्शन है ये मेरे को टू प्रूव है. ठीक है, दोबारा कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी गिवन, पैरेलल टू अनदर साइड डी ई इज पैरेलल टू बी सी भी गिवन. टू प्रूव बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी. ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, अब आपको याद हो तो. एंड इट वॉज अ कन्वर्स ऑफ एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम. इट वॉज अ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, वहाँ पर हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स किया था उसमें हमने बी पी टी का यूज़ नहीं किया था, तो दैट वॉज अ बिट लेंदी प्रूफ, एम पी टी का प्रूफ और उसका कन्वर्स. ठीक है, यहाँ पर बी पी टी के यूसेज हम इस एम पी टी का प्रूफ और इसके कन्वर्स का प्रूफ करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा. देखो बहुत ईजी है, इधर देखिए, यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल टू बी सी. किसी भी ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं तो आई कैन ईजिली मेक यूज ऑफ बी पी टी, राइट. तो जब इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी है तो देयर फोर बाय बी पी टी आई कैन ईजिली राइट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी, लिख सकती हूँ. लेकिन ए ई इज इक्वल टू ई सी है गिवन, सॉरी ए डी इज इक्वल टू डी बी है गिवन में. ये क्या है, गिवन. तो जब ए डी इज इक्वल टू डी बी गिवन में है तो अगर मैं इस डी बी को नीचे ले आऊं इसके इस तरह से तो यहां क्या बचता है, वन बचता है. ये चीज बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इस चीज पे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी. अगर ए डी इज इक्वल टू डी बी को, अगर मैं डी बी को लेफ्ट साइड इस तरह से लाऊंगी माइनस में तो यहाँ जीरो बचता है. अगर मैं डी बी को इसके नीचे लेके जाऊंगी इस तरह से तो उधर वन बचता है. ये चीज़ याद रखना बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें. ठीक है, तो अभी मैं इस डी बी को इसके नीचे लेके आई हूँ तो उधर बचेगा वन, राइट. तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी मेरा है वन. तो इस वाली इक्वेशन में ए डी अपॉन डी बी को की जगह मैं वन पुट कर सकती हूँ, राइट. तो ए डी अपॉन डी बी की जगह मैंने वन पुट कर दिया इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. नाउ ई सी विल कम हेयर, ठीक है, वन से मल्टीप्लाई होगा और ई सी बन जाएगा और मेरा आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू ई सी, जो कि मेरे को प्रूफ करना था. तो जो कन्वर्स ऑफ एम पी टी है इस उसका प्रूफ कितना छोटा सा हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि हमने बी पी टी का यूज़ कर लिया, राइट. ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं हमने कहीं ये पढ़ रखा है. देखते हैं एक बार. यूजिंग बी पी टी तो हमने इसी साल पढ़ी है 10th क्लास में. प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. अगर मैं यहाँ इसका मिड पॉइंट ले लूँ डी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये मिड पॉइंट है. और कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? इट शुड बी पैरेलल टू अनदर साइड. दैट मीन्स जो ये है ये पैरेलल भी है. ठीक है, मतलब गिवन में है कि ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ऑल्सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, अब
bisects the third side, ये मुझको प्रूफ करना है. यहाँ तक जो पोर्शन है ये गिवन वाला पोर्शन है, और जो ये पोर्शन है ये मेरे को टू प्रूव है. ठीक है, दोबारा कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी गिवन, पैरेलल टू अनदर साइड डी ई इज पैरेलल टू बी सी भी गिवन. टू प्रूव बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी. ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, अब आपको याद हो तो. एंड इट वॉज अ कन्वर्स ऑफ एम पी टी मिड पॉइंट थ्योरम. इट वॉज अ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, वहाँ पर हमने जो मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स किया था उसमें हमने बी पी टी का यूज़ नहीं किया था, तो दैट वॉज अ बिट लेंदी प्रूफ, एम पी टी का प्रूफ और उसका कन्वर्स. ठीक है, यहाँ पर बी पी टी के यूसेज हम इस एम पी टी का प्रूफ और इसके कन्वर्स का प्रूफ करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा. देखो बहुत ईजी है, इधर देखिए, यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल टू बी सी. किसी भी ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं तो आई कैन ईजिली मेक यूज ऑफ बी पी टी, राइट. तो जब इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो देयर फोर बाय बी पी टी आई कैन ईजिली राइट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी, लिख सकती हूँ. लेकिन ए ई इज इक्वल टू ई सी है गिवन, सॉरी ए डी इज इक्वल टू डी बी है गिवन में. ये क्या है, गिवन. तो जब ए डी इज इक्वल टू डी बी गिवन में है, तो अगर मैं इस डी बी को नीचे ले आऊं इसके इस तरह से, तो यहां क्या बचता है, वन बचता है. ये चीज बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इस चीज पे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी. अगर ए डी इज इक्वल टू डी बी को, अगर मैं डी बी को लेफ्ट साइड इस तरह से लाऊंगी माइनस में, तो यहाँ जीरो बचता है. अगर मैं डी बी को इसके नीचे लेके जाऊंगी इस तरह से, तो उधर वन बचता है. ये चीज़ याद रखना बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें. ठीक है, तो अभी मैं इस डी बी को इसके नीचे लेके आई हूँ, तो उधर बचेगा वन, राइट. तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी मेरा है वन. तो इस वाली इक्वेशन में ए डी अपॉन डी बी को की जगह मैं वन पुट कर सकती हूँ, राइट. तो ए डी अपॉन डी बी की जगह मैंने वन पुट कर दिया, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. नाउ ई सी विल कम हेयर, ठीक है, वन से मल्टीप्लाई होगा और ई सी बन जाएगा, और मेरा आ जाएगा ए ई इज इक्वल टू ई सी, जो कि मेरे को प्रूफ करना था. तो जो कन्वर्स ऑफ एम पी टी है इस, उसका प्रूफ कितना छोटा सा हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि हमने बी पी टी का यूज कर लिया, राइट. ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बी पी टी का कन्वर्स यूज करना है, जरूरी नहीं है लिखा हुआ आएगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी. प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ये भी हमने पढ़ रखा है, क्या है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स. ठीक है, क्या डी और ई ही ले लेते हैं नाम. लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, हमको दे रखा है ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी, हमको दे रखा है. दैट मीन्स यहाँ तक हमारा गिवन हो गया. इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट मीन्स डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट मीन्स डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हमको प्रूव करना है. ये कौन सी थ्योरम थी, हमने 9th क्लास में करी थी, इट वॉज मिड पॉइंट थ्योरम. द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट भी होता था. ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल ये प्रूफ करना है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है. इतना लंबा वाला प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने 9th क्लास में किया था, कंस्ट्रक्शन की थी एंड तब बहुत सारा कुछ था. हम यहाँ पर कन्वर्स और बी पी टी यूज़ करके बहुत छोटा सा इसका प्रूफ है. क्या करेंगे हम इसमें, देखिए, जब ए डी हमारा डी बी के इक्वल गिवन है, राइट. मैं फिर से वही चीज़ कर रही हूँ, डी बी को इसके, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी है, डी बी को इसके नीचे ले आई, ए डी बी को इसके नीचे लाई, तो उधर बचा वन, राइट. इसी तरह से
ए ई इज इक्वल टू ई सी दिया हुआ है, तो ई सी को इसके नीचे लाऊंगी तो उधर क्या बचेगा, वन, राइट। ये भी वन के इक्वल है, ये भी वन के इक्वल है, तो दैट मीन्स दोनों ही वन के इक्वल हैं, तो आई कैन ईजिली राइट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आ जाओ इस फिगर पर, क्या आया, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। क्या बोला था, जब पैरेलल लाइंस गिवन हो तो बाय बी पी टी हमारी रेशो सेम हो जाती है, अब रेशो सेम है तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया है तो देयरफोर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, फिगर इज नॉट गिवन, हमको खुद से ड्रॉ करनी है। क्या बोलते हैं, ए बी सी टी इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ये हो गया हमारा ए बी, जब भी नाम देते हैं ना किसी फिगर में तो नाम सीरीज में देते हैं, ये नहीं कि हम ए यहाँ लिख रहे हैं, बी यहाँ लिख रहे हैं, फिर सी यहाँ और डी यहाँ, कभी भी नहीं, कहीं से भी शुरू करो, चाहे तुम वो नीचे से शुरू करो, लेकिन एक या एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, जैसे भी जाओ लेकिन एक सीरीज में, या उल्टे चलो या ऐसे जाओ, ए बी सी डी, ठीक है, तो एक सीरीज में जाना है हमको। तो हमें क्या बोल रहे हैं वो, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये तो ऑब्वियसली होता ही है ट्रेपीजियम में, इट्स डायगनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, अब हमारे ये जो दो डायगनल्स हैं ये हमारे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमको क्या प्रूव करना है, ए ओ अपॉन बी ओ, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये ठीक है। तो इसमें मैं एक कंस्ट्रक्शन करती हूँ, क्या ड्रॉ ओ ई, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, राइट, जब बट हमारा ए बी तो सी डी के पैरेलल है, तो देयरफॉर ओ ई ए बी सी डी तीनों आपस में सिंपली ए पैरेलल लाइंस हो गई, राइट। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल ए बी और सी को देखूं तो ये है मेरा ट्रायंगल और ये मेरा ओ है, ये मेरा ई है और दोनों लाइंस मेरी पैरेलल है, राइट, तो मेरा ओ ई जो है वो पैरेलल टू ए बी है, तो देयरफॉर बाय बी पी टी आई कैन इजीली राइट सी ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ओ, अगर ये नीचे से ऊपर जा रहे हो ना तो ये भी नीचे से ऊपर जाना है, सी ई अपॉन ई बी इज इक्वल, वर्टेक्स से शुरू करा करो ट्रायंगल के, सी ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, अभी हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ए बी सी, अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ बी डी सी, बी डी सी, कैसे, ये है मेरा बी, ये है मेरा डी और ये है मेरा सी ओ ई, ओ ई तो दोनों के पैरेलल था, ओ ई हमने यहाँ ए बी के पैरेलल इसका यूज़ किया, यहाँ पर मैं ओ ई इस पैरेलल टू सी डी इसका यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो बाय बी पी टी आई कैन राइट, बी से शुरू करूँगी, बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, राइट, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ सी ई अपॉन बी ई है, यहाँ बी ई अपॉन सी ई है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, मैं इस इन वाली साइड्स को रेसिप्रोकल कर देती हूँ, ठीक है, मैं क्या करती हूँ रेसिप्रोकल, डी ओ अब दोनों साइड्स को करेंगे, एक को नहीं कर सकते, डी ओ अपॉन बी ओ हो जाएगा ये और ये हो जाएगा सी ई अपॉन बी ई, मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मेरी इस फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में सेम बन जाए, जब ये दोनों सेम है तो हम इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ भी सी ई अपॉन बी ई के इक्वल है, ये वाली चीज़ भी सी ई अपॉन बी ई के इक्वल है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई गेट C
CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन BO। मेरे को क्या लाना है वो देखते हैं, आया है या नहीं आया। CO के नीचे मेरे को DO चाहिए, ठीक है, बट CO के नीचे तो मेरा AO है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एक्सचेंज ऑफर, CO एक्सचेंज हो गया, ये DO इज इक्वल टू AO मेरा ऊपर चला गया और BO मेरा इधर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, AO अपॉन BO, AO अपॉन BO, हेंस रूट, सिंपल। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है लेकिन हमको लास्ट में प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है ये क्या है, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो मैं एक ट्रेपीजियम ही बना रही हूँ, ABCD, ठीक है। अब डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, कुछ कुछ सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन से, ओके। अब यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में प्रूव करना था वो यहाँ पर दे रखा है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये मेरे को गिवन है। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझको ट्रेपीजियम शो करना है तो दैट मींस जो ट्रेपीजियम का फीचर है उसकी क्वालिटी है वो शो करना है। ट्रेपीजियम का क्या मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, कि उसका वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। दैट मींस अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि जो ABCD के पैरेलल है तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा तक कि ये एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो दैट मींस टू प्रूव मैं ये नहीं लिखूंगी कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम, नो, आई विल राइट AB इज पैरेलल टू DC, मुझको ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। अब कंस्ट्रक्शन वही होगी जो मैंने पिछली बार करी थी कि ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। अब देखो प्रूफ, इन ट्राइंगल ABC, वही वाला ट्राइंगल पकड़ा फिर से मैंने, BAC, ये मेरा E है, ये मेरा O है और दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब OE पैरेलल टू AB है तो आई कैन राइट CO अपॉन AO इज इक्वल टू CE अपॉन BE। अब मेरे पास गिवन में क्या है, मेरे पास गिवन में ये चीज़ है, क्या गिवन है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये मेरे पास गिवन है। देखो यहाँ पर CO अपॉन AO है, यहाँ पर CO अपॉन AO मैं कैसे ला सकती हूँ, इस चीज़ को मैं इधर ले जाती हूँ, इस चीज़ को मैं इधर लेके चली जाती हूँ, कैसे, ये DO यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया और ये AO यहाँ से उठ के DO की जगह आ गया। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन मान ली, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब दोनों ध्यान से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखो, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में CO अपॉन AO, यहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन में CO अपॉन AO, दोनों सेम हो गई। तो दैट मीन्स ये चीज़ और ये चीज़ मेरी इक्वल आ गई, क्या क्या इक्वल आ गई, CE अपॉन BE इज इक्वल टू CE अपॉन BE इज इक्वल टू DO अपॉन BO, DO अपॉन BO, ठीक है, ये आ गई। अब क्या आया मेरा, ध्यान से देखते हैं, CE अपॉन BE इज इक्वल टू DO अपॉन BO। इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में CE अपॉन BE, CE अपॉन BE इज इक्वल टू DO अपॉन BO, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BCD। अगर ये चीज़ हो गई तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT आई कैन राइट, क्या लिख सकती हूँ मैं, OE जो है वो CD के पैरेलल है, OE जो है वो CD के पैरेलल आ गई। अब जब OE CD के पैरेलल आ गई, यहाँ तक समझ आया सबको कि OE जो है वो CD के पैरेलल आ गई, मैं क्या लेके चल रही थी कि OE जो है वो AB के पैरेलल है, मैंने प्रूव क्या कर दिया कि जो OE है वो CD के पैरेलल है। जब OE AB के भी पैरेलल है, OE CD के भी पैरेलल है, तो दैट मींस व्हाट आई हैव प्रूव्ड कि AB इज पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव्ड। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी आज हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली है।
होपफुली आपको समझ आई होगी. ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 के आगे वाली थ्योरम्स, एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 6.3 मैं आगे वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू.